वेलकम टू रोशी हयात किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट स्टाइल लड्डू, जो कि हम बनाएंगे मावा मिश्री लड्डू। और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और इसको बनाने में मुश्किल से 10 मिनट का वक्त लगता है और 10 मिनट के अंदर ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल लड्डू बनके हमारे तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस मिश्री मावा लड्डू को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे मावा। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम मावा का यूज़ किया है और इसको डालने से पहले हमने यहाँ पर घी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, आपने देखा। और सारे मावे को हम इसके अंदर डाल देंगे। मैंने इस मावे को क्रम्बल कर लिया है, अगर आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। और अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम को हम रखेंगे मीडियम टू लो के बीच में और लो फ्लेम पर इसको हमें अच्छे से भूनना है, क्योंकि अगर हमने इसको हाई फ्लेम पर भूना तो मावा हमारा जल सकता है। और हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ हमें इसको 2 से 3 मिनट तक ही भूनना है, इसलिए कि मावे के अंदर जो कच्चापन होता है बस हमें वो ख़त्म कर लेना है। और यहाँ पर मैंने जिस तरह से रेडीमेड मावे का यूज़ किया है, आप चाहें तो होममेड मावे का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और देखिए 2-3 मिनट बाद ही आप देखेंगे इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से हो गया है, जिसको मावा हमारा जितना भी हमने डाला था वो सारा अच्छे से भून चुका है। और ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा थोड़ा सा पतला सा हो गया है और इसमें से जितनी भी रॉ स्मेल थी ना, उसकी मावे की कच्चापन, वो सारा ख़त्म हो गया है। तो इसको बहुत ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे। और आप देख रहे हैं इसने पैन को छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया है और 2-3 मिनट के अंदर ही मावे का टेक्सचर इस तरह से हो जाता है। अब कुछ सेकंड के लिए हम इसे और भून लेंगे बस। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप, ये अच्छे से भून के तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको एक बड़ी थाली में निकाल लेंगे, जिसको हमें इसको जो है थोड़ा सा हमें ठंडा कर लेना है। और ये देखिए सारे मावे को मैंने बड़ी प्लेट में निकाल लिया है और इसको हम अब फैला देंगे। ऐसा करने से जो ये मावा है ना, ये बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाएगा और हमें इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है, क्योंकि अगर हमने इस स्टेज पर इसमें पाउडर शुगर मिला दी ना तो वो मेल्ट हो जाएगी। तो जब तक मावा हमारा ठंडा होता है, हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिए 2 छोटे चम्मच मैंने मिश्री के लिए, मैंने यहाँ पर दाने वाली मिश्री का यूज़ किया। आप चाहें तो जो बड़ी वाली डेली होती है ना मिश्री की, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। और इसको बहुत थोड़ा सा हम डाल के हम थोड़ा सा इसको हम कूट लेंगे, बहुत ज़्यादा इसका पाउडर फॉर्म नहीं लाएंगे इसे हम, बस हल्का हल्का से इसे दरदरा सा कर लेंगे। और इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर हम डालेंगे। इलायची का फ्लेवर आप लाइक करते हैं तो उसमें का यूज़ ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे हम किशमिश का। और इसके साथ ही डालेंगे जो हमने मावे को ठंडा करने के लिए रखा था ना, उसी में से मैंने 1/4 कप के करीब मावा निकाल लिया है, वो डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने 10-12 धागे केसर के लिए थे, जिसमें 2 बड़े चम्मच दूध के अंदर मैंने भिगो दिया था, और इसको भी हम डाल देंगे इसके अंदर। और थोड़ा थोड़ा दूध अब इसमें हम डालते जाएंगे और इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। और ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कितना बढ़िया ये हमारा स्टफिंग बनके तैयार हो रही है। ये देखिए इसी तरह से स्टफिंग हमें तैयार कर लेनी है। और अब इसको रख देते हैं हम एक साइड में। और ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। और अब इधर हमने लिया है 1/2 कप मैंने पाउडर शुगर ली है, मैंने यहाँ पर सिंपली चीनी ली, उसको ग्राइंड कर लिया और उसको इस तरह से पाउडर शुगर बना लिया। और मावा हमारा ठंडा हो गया था तो अब पाउडर शुगर को इसके अंदर हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में अब इसके हम लड्डू बनाने स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जितने बड़े लड्डू आपको बनाने हैं उतना बड़ा आप इसका पोर्शन ले लीजिए। और ये देखिए अब फिंगर से इसमें हम एक होल कर लेंगे और उसमें जो हमने स्टफिंग बना के रखी थी ना, वो स्टफिंग इसके अंदर हम भर देंगे। लेकिन उसको पहले हम इस तरह से और उसके भी छोटी सी हम बॉल बना लेंगे। ऐसा करने से जब इसको हम बंद करेंगे ना तो बहुत ही आसानी के साथ में बंद हो जाता है। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हम इसको बहुत अच्छे से बंद कर लेंगे। और ये देखिए, ये आप देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त हमारा मिश्री मावा लड्डू बन के तैयार हुआ है। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। और ये देखिए, ये आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मिनटों में बनने वाले लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए। आप चाहे तो इसको इसी तरह से सर्व कीजिए या आप चाहे तो इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास चांदी का वर्क है तो आप उसको इससे भी डेकोरेट कर लीजिए। मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मैंने केसर येलो फूड कलर लिया था, जिसको मैं थोड़े से पानी के अंदर घोल लिया था। अब इसको हम इस तरह से इसमें लगा देंगे,
बिल्कुल इसी तरह से हम बना रहे हैं जैसे कि मार्केट में मिलते हैं मिश्री मावा लड्डू, बिल्कुल उसी तरह से मैं इसको बना रही हूँ। और ये देखिए सब पे मैंने कलर लगा दिया है। अब आप चाहें तो उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स रख दीजिए, पिस्ते को काट के रख दीजिए, या चांदी के वर्क लगा दीजिए, या इसके ऊपर आप केसर को रख दीजिए। बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारे मिश्री मावा लड्डू बनके तैयार हो गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये लड्डू बनके हमारे तैयार हुए हैं। देखिए मैं आप इसको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, इसका टेक्सचर आप देखिए। और ये देखिए ये आप देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त बने हैं ये लड्डू, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है ना। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अगली बार जब भी आपको लड्डू खाने का मन करे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो इस रेसिपी को ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। मेरी रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ में, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल।